मेरे सभी किसान भाइयों, मैं आज आपसे कुछ चर्चा करना चाह रहा हूँ। पीछे काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं कोरोना में। अभी कोरोना पेंडेमिक चल रहा है और सभी जगह जो है बेरोजगारी है और बहुत सारी चीजें हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा है जिसने अपनी ग्रोथ दिखाई है लगातार, यानी कोरोना के दौरान सारे सेक्टर में बेरोजगारी फैली है और डाउन गया है, लेकिन एग्रीकल्चर ने अपनी अपने आप को सिद्ध किया। हमारे सारे किसानों ने, सभी लोगों ने जमके उसमें कोरोना के दौरान अपनी फसलों का या उन सब चीजों का ध्यान रखा है और एक अच्छा उत्पादन भी हमने लिया है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो किसान है वो खेती के साथ में यदि मधुमक्खी पालन करता है, बी कीपिंग करता है, कुछ मधुमक्खी के बॉक्स वगैरह रखता है, तो इससे क्या होता है कि उसकी जो पैदावार में बढ़ोतरी तो होती है, साथ में उसको एडिशनल इनकम भी हो जाती है शहद के द्वारा, या बी पोलन, प्रोपोलिस, रॉयल जेरी या दूसरे उसके जो भी प्रोडक्ट्स है या बीज वैक्स उनको निकाल के। साथियों, अभी EAC2PM की जो रिपोर्ट आई है, BDCP की, बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी की रिपोर्ट है, उसके अनुसार यदि मधुमक्खी पालन साथ में किया जाए खेती के, तो हमारा जो किसान है वो अपनी पैदावार को डबल या ट्रिपल या 30-40% 50% तो किसी भी क्रॉप में कर सकता है। साथियों, मैं आपसे, जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, जो ऐसे लोग हैं जो दूसरे किसी चीज से बेरोजगार हो गए हैं, यदि वो मधुमक्खी पालन करके, अपना छोटा एक मधुमक्खी पालन करके अपनी खेती के साथ में उसको भी यदि करें, या उसको अगर खेती भी नहीं करना चाह रहे हैं, केवल मधुमक्खी पालन करना चाह रहे हैं, तो मधुमक्खी पालन करके अपने परिवार का अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं। साथियों, पिछले 2-3 साल से एक समस्या चल रही थी कि हमें शहद के उचित दाम नहीं मिल रहे थे, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत सरकार को कि उन्होंने NMR टेस्ट को लागू किया और उस टेस्ट के लागू होते ही जो हमारे शहद में जो है लगभग 40-50% की जो शहद के प्राइस है वो इंक्रीज हुए हैं, जिससे हमारे किसानों को एक, जिन्होंने भी, मैंने एक लॉकडाउन में बोला था कि सभी लोग अपने शहद को रोक कर रखें, एक आपको अच्छी कीमत मिलने वाली है, तो उसका ये था कि जो हमारा जो NMR टेस्ट था वो 1 अगस्त से लागू होना था, क्योंकि हमने उसको लागू करवाने की कोशिश करी थी 1 अप्रैल से, लेकिन कुछ लोग जो है सरकार के पास पहुंचे और उन्होंने किसी तरह से उसके टाइम को एक्सटेंड करवा लिया था 1 अप्रैल से 1 अगस्त के लिए, तो इस वजह से इसमें थोड़ा डिले हो गया, और उस डिले होने की वजह से जिन लोगों ने भी रोक के रखा है वो हनी, उन्होंने सरसों के शहद को भी, उनको भी लगभग 70-80%, यानी उनको जो है एक अच्छा इंक्रीज मिला है, और लगभग 100 रुपए किलो उनका हनी बिक गया है, 90+ तो सभी का ही बिक गया है। यानी अगर ये एक हम सब बी कीपर साथियों की, सबकी, हमारी लिए, सबके लिए अच्छा है, और आने वाला जो भविष्य है मधुमक्खी पालन का वो एक अच्छा भविष्य है। आप देख रहे होंगे कि इस कोरोना पेंडेमिक में शहद जिन लोगों ने लिया, स्पेशली जिन्होंने जेन्युइन शहद खाने में को मिला, या जो बी कीपर साइड मधुमक्खी पालक जो पैकिंग का भी काम कर रहे हैं, उन्होंने एक अच्छी ग्रोथ ली है, उन्होंने एक अच्छा शहद बेचने की अवेलेबिलिटी लोगों के अंदर दिखाई है और उसको हमने लोगों तक पहुंचाया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो सभी लोगों का अच्छा शहद बिका है, लेकिन जो इस वीडियो को और दूसरे कंज्यूमर भी यदि देख रहा है, जो कंज्यूमर्स से मैं ये बताना चाहूंगा कि वो उन लोगों से शहद खरीदे जो अपनी खुद की बी कीपिंग कर रहे हैं और उसको पैक करके हनी को अपने ब्रांड में बेच रहे हैं, यानी मधुमक्खी पालन करने वाले लोग जो ब्रांडिंग करके, अपने पैकिंग करके, बॉटलिंग करके अपने शहद को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आप उन्हीं से ही शहद खरीदें, क्योंकि बाजार में बहुत सारी जो कंपनियां आई हुई है वो बहुत सारा उसमें एडल्ट्रेशन कर रही है, तो मैं एडल्ट्रेशन से अगर बचना है, या तो हम खुद की मधुमक्खी पालन करें, 1-2 बॉक्स रखें, उससे हम अपना खुद का हनी निकाल के खाएं, या ऐसे लोगों से खरीदें जो अपना मधुमक्खी पालन करते हैं, साथ में शहद निकाल के अपनी पैकिंग करके, बॉटलिंग करके बेचते हैं। तो ऐसे मैं सभी बी कीपर भाइयों से कहूंगा, आह्वान करता हूं कि आप सब लोग अपनी बॉटलिंग करके बेचें, ताकि लोगों तक, कंज्यूमर तक उसके शहद की पहचान करना और आपकी इनकम बढ़ने का एक अच्छा साधन होगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया दूसरी मीडिया से बहुत ऊपर चल रहा है। जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया, वो भी सोशल मीडिया पे है, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी है, वो भी सोशल मीडिया पे है। तो आप लोगों से मैं कहूंगा कि सबका अपना अपना सर्किल है, एक दूसरे का कोई कंपटीशन नहीं है। जो भी आप अपना शहद पैदा कर रहे हो उसको बॉटलिंग करो और बोतल में पैक करके लोगों को अपने सर्किल के, या अपने जो भी जानकार लोग हैं, या आपके सोशल मीडिया पे अपने उस पर डालिए, उसको बेचिए, और एक अच्छा भविष्य मुझे नजर आ रहा है बी कीपिंग सेक्टर में। और आप आइए, मैं आह्वान करता हूँ सब लोगों का, किसानों का, जो भी
इस तरह की खेती कर रहे हैं, तलन की, दलन की, फल की, सब्जियों की, या नहीं भी खेती कर रहे हैं और बीकीपिंग व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, तो आप मेरे इस नंबर पे कॉल कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। सबसे पहले इसमें जरूरी है ट्रेनिंग लेना। ट्रेनिंग लेके यदि बीकीपिंग करेंगे तो आपके फेल्योर के चांस कम हो जाएंगे। आप सक्सेसफुल होना है बीकीपिंग में तो आपके लिए ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। यदि आपके नियर बाई में कहीं भी कोई ट्रेनिंग मिल सकती है वहां लीजिए। जगह जगह अभी तो इसके प्रशिक्षण केंद्र खुले हैं, भारत सरकार ने इसके ऊपर काफी प्रयास भी किए हैं। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि आप अपनी खुद की बीकीपिंग करिए और खुद के लिए शायद अपना पैदा कीजिए, उसको खाइए। और मैं भविष्य में मैं ऐसा करना चाह रहा हूं कि यदि आप लोग जो है अपना शायद जो है अपना खुद निकालना चाहते हो तो हम मेरे आप स्टोर पर आइए, मैं आपको शायद निकाल के आपके सामने आपको देने वाला हूं। धन्यवाद।